राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग सर आप सब से दो शब्द कहेंगे। युवा उत्सव के कार्यक्रम के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के अभिभावक जिनके सानिध्य में लंबे समय से काम करने का अवसर मिला है, जो उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा है उसमें लगातार 9 बार से प्रतिनिधित्व करने वाले कभी नेता भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में आज उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री के रूप में आज के कार्यक्रम के इस मुख्य अतिथि हम सब के अभिभावक परम आदरणीय माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबके मित्र सहयोगी और गन्ना किसानों के रहनुमा और गन्ना विकास मंत्री हम सबके मित्र सहयोगी बड़े भाई श्री सुरेश राणा जी, नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी यहाँ उपस्थित, युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती दीपक वर्मा जी तथा यहाँ सभागार में उपस्थित लखनऊ उत्तर प्रदेश तथा हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे नौजवान भाइयों बहनों पत्रकार भाइयों एवं मित्रों, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में बड़े भाई सुरेश खन्ना जी और बड़े भाई सुरेश राणा जी का आगमन हुआ है। इसलिए खेल मंत्री होने के नाते आप दोनों लोगों का मैं अपने तरफ से और पूरे आए हुए हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूँ। और आप लोग बताना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम लगातार 12 तारीख से हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए युवा है जो 18 विधाओं में प्रतिभाग करने के लिए अपने अपने राज्यों से चल रहे हैं। 3-4 चौथा दिन है और जब तक किसी चीज में जब प्रतियोगिता होती है तो जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव आता है और जहां प्रतियोगिता होती है जहां प्रतिस्पर्धा का भाव आता है वहीं पे अच्छी प्रतिभाएं उभर करके आती है। तो ये सभी प्रतिभाएं अपने अपने राज्यों से पहले स्टेट लेवल पे विजयी होकर के आई है, अब ये नेशनल स्तर पे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर यह प्रत्येक साल यह कार्यक्रम किसी न किसी राज्य में होता रहा है। इस बार सौभाग्य यह उत्तर प्रदेश सरकार का है माननीय मोदी जी और माननीय किरण रिजिजू जी के सौजन्य से और इसको सहर्ष माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने स्वीकारा है और इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिसका समापन कल उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम कल यहीं होगा। तो इसी तरीके का कार्यक्रम जो हमारी पुरानी कला संस्कृत नृत्य लोक नृत्य बांसुरी वादन इस तरीके की जो 18 विधाएं जो विलुप्त होती जा रही आज मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में सारी विधाएं अवतरित होकर कर रहे इसमें जो भी प्रतिभा के धनी लोग हैं उन सबको सम्मानित करने का काम कल किया जाएगा। इस तरह भी हिंदुस्तान पूरे दुनिया का युवा देश है और उसमें हिंदुस्तान के युवा आए हुए हैं तो निश्चित रूप से जैसे युवा कुंभ में हमारे जो माननीय मुख्य अतिथि जी हैं और माननीय जो हमारे विशिष्ट अतिथि जी हैं दोनों लोगों का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हम सबके बड़े भाई माननीय सुरेश राणा जी से आमंत्रित करना चाहता हूँ जो नौजवानों के दिल की धड़कन भी है कि वो आवे और अपने विचारों से नौजवानों को आसन वचन करें। माननीय सुरेश राणा जी भारत माता की एक बार जरा दोनों मुट्ठी बंद करके हवा में हाथ लहरा करके बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय।
मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही यशस्वी नेता जिनके साथ हम सबको काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी और हमारे बहुत ही शानदार खेल मंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेलों में बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है, ऐसे साथी उपेंद्र तिवारी जी, हमारे समस्त दिनेश जी और तमाम अधिकारीगण और मेरे सामने बैठी हमारी युवा शक्ति, मुझे मालूम है आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पत्रकार साथी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहूँगा चूंकि हम सब और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ लेना चाहते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे युवा और ऊर्जावान खेल मंत्री भाई किरण रिजिजू को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस शानदार युवा कुंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नेताओं का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये युवा शक्ति है और युवा शक्ति जिधर को जाती है उधर को रास्ता तय करती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तलवारों की नोकों पर मोजों की रवानी चलती है, तलवारों की नोकों पर मोजों की रवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये सारी जवानियां बैठी हुई है, तरुणाई बैठी हुई है और ये वो शानदार तरुणाई है जो भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना चाहती है, भारत को महान बनाना चाहती है, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के जो सपने हैं उनको साकार करना चाहती है। देश भर से आए नौजवानों को इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपके मन में जो सपना है, आपके मन में जो संकल्प है, आपके मन में जो कल्पना है और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, उस सपने को साकार करने के लिए और मजबूती देने के लिए यहाँ युवा कुंभ एक आयोजित हुआ है। ये पूरे नौजवान पूरे भारत की ऊर्जा यहाँ विराजमान है। लेकिन मैं जानता हूँ स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार जो जीवन का दर्शन दिया और जिस प्रकार शिकागो में जाकर के मजबूती के साथ अपनी बात को रखा, पूरी दुनिया के अंदर आज भी स्वामी विवेकानंद जी का भाषण की चर्चा होती है। इसलिए मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिंदगी को जीना है तो जिंदगी के अंदाज को हमें तय करना पड़ेगा, हमें जीवन को कैसे जीना है, किस स्टाइल में जीवन जीना है, क्या सरदार भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की तरह से हम जीना चाहते हैं या उन लोगों के तरह से जीना चाहते हैं जो लोग लगातार अभी आपने देखा होगा किस प्रकार का माहौल देश में बनाना चाहते हैं। मुझे घटना राम प्रसाद बिस्मिल की घटना मैं छोटी सी सुनाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं था मुझे बोलना है लेकिन हमारे मित्र उपेंद्र तिवारी जी ने आदेश किया इसलिए मैं छोटी घटना राम प्रसाद बिस्मिल जी की आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक छरण बदन का नौजवान अंग्रेजी जमाना वो जेल के बाहर बैरक में और बैरक के बाहर बरामदे में दंड बैठक लगा रहा है, तेल मालिश कर रहा है, उधर से जेलर आकर के पूछता है क्या नाम है तेरा, वो नौजवान कहता है मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। जेलर जोर से हंसता है और कहता है तेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल नहीं हो सकता, अरे राम प्रसाद बिस्मिल को तो कल फांसी होनी है, वो कैसे तेल मालिश कर सकता है, वो कैसे दंड बैठक लगा सकता है। वो नौजवान हंसता है कहता है जेलर पागल मैं नहीं पागल तू है, मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है, मुझे मालूम है कल मुझे फांसी होनी है लेकिन मैं दंड बैठक इसलिए लगा रहा हूँ, मैं तेल मालिश इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि भारत माता को मुरझाए फूल अच्छे नहीं लगते, इसलिए कल जाऊंगा तो हंसते हंसते फांसी में चले जाऊंगा। मित्रों इसलिए मैं कई बार कहता हूँ आज आजादी की जो सांस हम लोग ले रहे हैं, हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को छुआ, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी न रखा अपने तन के वास्ते। अरे यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, मौत वह है जो आए वतन के वास्ते। बहुत सारे नौजवानों ने मित्रों बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जवानी को लुटा करके आज हमें देश के लिए ये स्वच्छंद सांस लेने का मौका दिया है। इसलिए मैं कई बार चुके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक गीत मुझे याद आता है, एक गीत की लाइन है वो जिंदगी को बताता है जिंदगी कैसी जीनी है। एक गीतकार कहता है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। गीतकार कहता है जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं,
आजादी के लिए लिखता है, जो चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखता है, जो राम प्रसाद बिस्मिल के लिए लिखता है, जो सरदार भगत सिंह के लिए लिखता है, और वो बोलता है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। इसलिए मित्रों नौजवान की ये शक्ति यहाँ बैठी है, और आदरणीय मोदी जी जो चाहते हैं, आदरणीय योगी जी जो चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो चाहते हैं, इस देश को परम वैभव पर ले जाना है, उसी तरफ ये नौजवान शक्ति चलेगी। इस कुंभ का हमें बहुत बहुत इस तरफ सकारात्मक दिशा में हम लोग चलेंगे। मैं आदरणीय खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हुआ, यहाँ के अधिकारियों को बधाई देता हुआ, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के 70 साल में 3 घंटे की प्रस्तुति की गई, और उसमें आजादी के 70 साल में हम लोग क्या पाए, क्या खोए, इस पे विचार मंथन हुआ, और निश्चित रूप से उससे प्रेरणा लेकर के हमारे देश के कोने कोने से युवा लेकर के जाएंगे। कल के जो कार्यक्रम की प्रस्तुति थी, चाणक्य पे मंचन था, और जिस तरीके से चाणक्य का मंचन दे करके अखंड भारत से लेकर के भारतवर्ष की जो कल्पना मंचन के माध्यम से निकला, आज मैं कह सकता हूं कि इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, बात बात के लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर कहते हैं कि भारत मात्र टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा इसलिए कि तुम्हारा का दिल जिंदा है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि पुलवामा की घटना होती है। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे उरी की घटना हो, आपने देखा होगा कि आपके देश के सैनिकों ने जिस तरीके से 2-4-10 किलोमीटर नहीं 80 किलोमीटर दूर का से पाकिस्तान में आतंकवादियों के सीने पे 1,000 किलो के बम से लिख दिया कि भारत माता की जय, और आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा। कल जो चाणक्य का मंचन था, उसका अंतिम निष्कर्ष यही था कि राजा अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, जो पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा थी कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति होगा उसका जब उत्थान होगा तब रामराज की कल्पना होगी, और उसी दिशा में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है। इसी में हम आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य